हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कार गैलेक्सी। सो आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे मारुति सुजुकी स्विफ्ट का, जो कि एक ये लेटेस्ट वाला स्केल मॉडल है, जो अभी लेटेस्ट जनरेशन है उसका ये स्केल मॉडल है। और ये जो स्केल मॉडल है ये सेंटी टॉय कंपनी का है, जो सेंटी टॉय इन स्केल मॉडल्स को बनाता है। ये लाइसेंस स्केल मॉडल नहीं है, बट जो इनकी डिटेलिंग है वो अगर मैं आपको अभी आगे रिव्यू में दिखाऊंगा, बहुत ही फाइन वर्क होता है सेंटी टॉय जो कंपनी ये सारे स्केल मॉडल बनाती हैं। तो करते हैं इसका रिव्यू स्टार्ट। तो सबसे पहले इसके हम फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। अब इसके फ्रंट में मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपको ये ग्रिल देखने को मिलेगी, और इसमें जो ये रेड लाइनिंग है ग्रिल में, ये हमने खुद इसमें हल्की सी मॉडिफिकेशन करी थी। ये इसमें ऐसी नहीं आती है, पूरी ब्लैक आती है। तो यहाँ पे एक स्पोर्टी लुक देने का हमने इसको ट्राई किया था। और उसके बाद आपको यहाँ पे दोनों हेडलाइट्स मिल जाएंगी, ये एक और एक। ये दोनों हेडलाइट्स काफ़ी बढ़िया यहाँ पे लुक देती हैं। नीचे यहाँ पे दोनों फोग लैंप भी यहाँ पे एकदम फाइन वर्क जिसको कहते हैं, वो यहाँ पे किया है सेंटी टॉय ने, बिल्कुल प्रॉपर। और जो ये प्लास्टिक की क्वालिटी है ये भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है, कोई हल्का प्लास्टिक नहीं है, काफ़ी अच्छा है ये प्लास्टिक। तो अब हम साइड प्रोफाइलिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको एलॉयज देखने को मिलते हैं, जो कि ये भी एक काफ़ी अट्रैक्टिव लुक इस कार को देते हैं। काफ़ी बढ़िया ये एलॉयज यहाँ पे रखते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये ड्रिफ्ट का यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है। और इसके जो डोर्स हैं ये भी खुलते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये डोर्स। और यहाँ पे डोर्स में भी आप देखो कितना फाइन वर्क है, बिल्कुल डिटेलिंग है एकदम, जैसे रियल स्विफ्ट का इंटीरियर आता है वो यहाँ पे इंटीरियर दिया है। प्रॉपर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हर एक चीज़ बढ़िया से यहाँ पे बनाई है सेंटी टॉय कंपनी ने, काफ़ी बढ़िया है। और ये इजीली बंद होता है और इजीली खुलता है, ऐसा कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है, काफ़ी बढ़िया ये साइड से एक लुक देती है। और इसके जो ये पिलर्स हैं ये यहाँ पे ये ब्लैक नहीं आते थे, थोड़े से ब्लैक आते थे, तो इसको हमने खुद यहाँ पे पूरा इसको ब्लैक लुक दिया है। एक ये सब कंपनी से ही आता है यहाँ पे, ये सारा जितना भी है सेंटी टॉय ये। और ये जो है ये पिलर ब्लैक नहीं आता, ये हमने ही किया था। उसके बाद यहाँ पे पीछे आपको ये पेट्रोल टैंक दिख जाएगा, यहाँ पे आपको ये डोर हैंडल्स, एक ये रहा, यहाँ पे साइड मिरर, ये भी काफ़ी बढ़िया है। और साइड से भी एकदम बढ़िया लुक इस कार का आता है। और अब हम बात करते हैं पीछे का, तो पीछे आपको दो टेल लाइट्स देखने को मिल जाएंगे। दोनों टेल लाइट्स का जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, बहुत अच्छा लगता है लुक देखने में, अट्रैक्टिव लुक है। स्पेशली इस लुक से अगर आप देखो तो कितनी बढ़िया लग रही है यहाँ से कार। और उसके बाद जो ये रेड रेड यहाँ पे आपको दिख रहा है ये नहीं आता, ये हमने खुद यहाँ पे लगाया है जिससे कार को एक और थोड़ा अच्छा लुक मिले। तो ये बम्पर्स में यहाँ पे रिफ्लेक्टर की तरह हमने ये यहाँ पे दो लगाए हैं, यहाँ पे ब्रेक लाइट यहाँ पे लगाई है। उसके बाद आपको यहाँ पे नंबर प्लेट देखने को मिलेगी, यहाँ पे ये ड्रिफ्ट और यहाँ पे लिखा हुआ है चैम्पियन। उसके बाद यहाँ पे ये DL4C बॉस करके यहाँ पे नंबर IND इंडिया यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ये साइलेंसर का जो लुक बम्पर में दिया, काफ़ी बढ़िया एक स्पोर्टी लुक इस कार को देता है। और अगर हम यहाँ राइट से बात करें तो यहाँ भी बिल्कुल सेम जैसे हमने आपको उस वाले में दिखाया था, सेम जैसे यहाँ है प्रॉपर। यहाँ पे भी ये स्टिकर ड्रिफ्ट वगैरह हर एक चीज़ लगी हुई है। और रूफ टॉप में यहाँ पे आपको ये कि ये एंटीना दिख जाएगा, जो कि ये रबर का है, ये टूटने का कोई चांस नहीं है, काफ़ी बढ़िया। अगर ये कहीं दब भी जाए तो टूटता नहीं है ईजिली, काफ़ी बढ़िया ये कार है। और बहुत ही बढ़िया सेंटी टॉय ने इस पर काम किया है, सेंटी टॉय जो है मेड इन इंडिया है। और जितने भी इनके स्केल मॉडल्स होते हैं, जितने भी इनके प्रोडक्ट्स हैं, सारे मेड इन इंडिया है, तो ये कोई बहुत अच्छी बात है। तो और ये जो कंपनी है सेंटी टॉय, ये अभी नहीं आई, ये बहुत पहले की कंपनी है, काफ़ी टाइम से ये स्केल मॉडल्स बना रही है। तो ये दो कार्स हैं, एक तो ये वाली स्विफ्ट है और एक ये वाली स्विफ्ट है, जो कि दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों में जो भी काम हुआ है बिल्कुल सेम है। पीछे से भी लुक हमने सेम दिया है दोनों कार्स को, और ज़्यादा कुछ भी हमने नहीं किया, जैसे आई थी वैसे ही रखी हुई है, बस हल्की फुल्की यहाँ पे जो ये रेड लाइनिंग यहाँ पे स्पोर्टी लुक के लिए दी, और पीछे बाकी दोनों बिल्कुल सेम है। और ये आपको इजीली अमेजोन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगे, अगर आप ऑफलाइन भी इसको सर्च करें तो वहाँ भी आपको ये टॉय स्टोर्स पे मिल सकती है, पर अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे थोड़ा प्राइस अच्छा मिल जाता है वहाँ पे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से इसको ले सकते हैं, काफ़ी बढ़िया ये एक प्रोडक्ट है। और मैं आपको इसको ये आप देखो काफ़ी बढ़िया है ये, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आती। यहाँ पे नीचे मैं अब आपको दिखाऊँ, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटी, प्रॉपर यहाँ पे स्केल मॉडल हर एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये था मारुति सुजुकी स्विफ्ट न्यू जनरेशन वाली स्केल मॉडल का रिव्यू।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी ऐसी बहुत सारी वीडियो इस चैनल पे आने वाली हैं, हर एक कार जो भी हमारे कलेक्शन में उसका हम रिव्यू अभी लाने वाले हैं इस चैनल पे, हमारे कार गैलेक्सी पे। तो अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियोज़ को अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो आप शेयर कर देना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।